Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 28 रोज़ा, मतलब कल हो सकता है कि चांद रात हो और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ऐसा रहता है चांद का। एंड पता नहीं, अभी कल पता चल जाएगा कि सऊदी अरब में कल ईद है, तो परसों इंडिया में हो जाएगी, बाकी सारी जगह हो जाएगी। बट अगर कल वहाँ नहीं हुई तो फिर तो संडे को ही है। सो हाँ, मैं इतनी सजी धजी इसलिए लग रही हूँ बिकॉज मैंने अभी बनाया ईद मेकअप लुक। सो ये लुक मैंने क्रिएट किया था और स्टेप बाय स्टेप आपको रील मिल जाएगी। क्यों मेरा बैकग्राउंड खराब कर रहा है? और अभी हम लोगों को जाना है जामा मस्जिद, और बिल्कुल घर में इतना काम हो वो सब चल रहा है ना 24 घंटे, तो ना व्लॉग बन रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं अब बाजी को जामा मस्जिद लेके जा रही हूँ। मैं जाऊँगी ऐसे और बाजी जाएंगे ऐसे। पागल है, मैं ऐसे नहीं जाने वाली, चेंज करूंगी। पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, ओले पड़े थे, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो बस फटाफट मुझे चेंज करना है। ये मम्मी का सूट है, मेरा सूट नहीं है। एंड दिस इज फ्रॉम बीबा एंड इट इज सुपर सुंदर, बहुत ज्यादा सुपर कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल। ये जो है, मुझे बहुत देर से बोल रही है कि जल्दी चल जल्दी चल, तुझे भी टाई लगा दूंगी, जल्दी जाना है जल्दी जाना। खुद इतनी देर से मुझे वेट करा रही है। गाइस, जस्टिस फॉर अतीफा। अतीफा चली जाए यहाँ से। तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, बस अभी तैयार हो, चेंज कर लेती हूँ। तैयार तो मैं बहुत ज़्यादा हो रखी हूँ, तो मैं चेंज कर लेती हूँ और तुम लोग मुझे बताना ये लुक कैसा लगा। एंड या दिस इज़ द लुक। मैंने बहुत टाइम बाद ये फॉल्स लैशेज लगाई हैं फ्रॉम मेनिसो, एंड बहुत कंफर्टेबल है, एकदम लाइट वेट है, और कट 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 भर काम हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, मतलब स्टार्ट तो हो गया आज का व्लॉग, ओले पड़े थे, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो अभी चेंज करके आती हूँ। सो आई हैव चेंज्ड एंड ये है मेरा आज का। हम जल्दी से निकल रहे हैं एंड मैं अभी दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। तो मुझे एक रील भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास 5 मिनट है। एंड मैंने बैग ले लिया, हील्स पहन ली। सो चलते हैं। जल्दी सोच ले तू क्या खाएगी। हाजी हुसैन के नहीं जा सकते, वो कैश मांगते हैं। एंड फाइनली आई एम एट माई फेवरेट प्लेस जामा मस्जिद, जो कि बहुत बहुत प्यारी लग रही है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है पूरे रमज़ान, और आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगी बहुत सारी, बट इससे ज़्यादा डबल भीड़ होती है नॉर्मल डेज में। एंड सबसे पहले हमने खाना था शाही टुकड़ा, तो हम वो खाने जा रहे हैं। टाइम बाद खा रहे हैं। मुझे कुछ खजूर लेने थे, क्योंकि मुझे खजूर चॉकलेट में मारे। तो यहाँ शरबत मोहब्बत मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल यूनिक से स्टाइल में। और फिर हम दरियागंज आ गए थे अयास परफ्यूम। तो ये वैसे भी बहुत प्यारा स्टोर बना हुआ है, आप एम्बियंस चेक कर सकते हो, इट्स वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको 30+ 50+ फ्रेगनेंसेस मिल जाएंगी, मिक्स एंड मैच भी हो जाता है वो, और ये पर्सनलाइज फ्रेगनेंसेस भी बना देते हैं। एंड यह तूफा टेस्ट कर रही थी, बहुत ही अच्छी सी कोई फ्रेगनेंस थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई गेस वाइट थी। एंड देन देर इज़ अनदर फ्लोर डाउन स्टेयर्स, तो यहाँ पे आपको कपड़े और ये सब देखने को मिल जाएंगे, तो अबायाज़ हैं एंड यहाँ सूट्स हैं पाकिस्तानी। एंड एज़ यू कैन सी, कितना प्यारा सा पाकिस्तानी सूट मैंने ये लिया है, इट्स सो प्रिटी पहन। एंड दीज वर अनस्टिच्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ऐसे बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास। साथ ही साथ एक और रेड कलर का मरून से कलर का सूट आप देखो, कितना प्यारा लग रहा है, मेरा तो दिल चाहता सब ले लूँ। जो कि दरियागंज में है, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने बोला कि मुझे सबसे परफेक्ट यहाँ का जो परफ्यूम या इत्र है वो दिखाओ, तो और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंसेज हैं इस उसकी सारी, ऊद की भी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इत्र और ऊद के बारे में, कि बहुत अच्छा है। फिर नीचे अबाया और वुमेन सेक्शन भी है, मतलब अबाया सूट और ज्वेलरी भी है, हिजाब्स भी हैं, स्कार्फ्स और स्कार्फ और वॉलेट्स भी हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आके। मुझे सभी अच्छा लगता है ना, ये वाला बहुत प्यारा है।
उन्हें आना चाहिए। जैसे कि ये मेरी फ्रेंड अबाया बैठती है, अगर वो ये देख रही है तो यहाँ आके अबाया ले ले। तो मैं वापस ऊपर आई थी बिकॉज मुझे बखूर लेना था और 3 से 4 फ्रेगनेंसेस थी और ये अलग अलग साइज़ की बॉटल्स में आपको मिल जाएगा इत्र। और अब हम घर जा रहे हैं वापस, एंड घर आते ही मुझे पूरा अपना रूम समेटना पड़ा, मतलब फैला हुआ था, आपको दिख ही रहा हो कितना ज़्यादा कपड़े ही कपड़े और ये सब, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मुझे क्या पहन के जाना है जहाँ मस्जिद, तो मैं आधे से ज़्यादा बेड में से कपड़े निकाल के फेंक गई थी। तो अभी बज रहे रात के 2:30 से भी ज़्यादा, इट्स 2:40 ऑलमोस्ट। सिर्फ बेड की और अलमीरा की सफाई करते करते मुझे 2:30 बज गए हैं। 12 बजे से कर रही थी या 11:30 बजे से मैं लगी थी, 12 बजे से, तो मुझे 2.5 घंटा लग गया बिकॉज सारे कपड़े निकले हुए थे, कोई कहीं का कोई कहीं का, जो पहने जो नहीं पहने, कुछ ईद में मिरर भी लग गया है, तो मैं वो सुबह दिखाऊंगी बिकॉज अभी दिखा देती हूँ। चलो सो ये रहा मिरर, बिल्कुल नीचे से लगवाया बिकॉज ये पहले वाले मिरर से काफ़ी बड़ा है, देखने से ही पता चल जाएगा। और पहले वो मिरर यहाँ तक था, मतलब वो मिरर इतना था, ये पूरा 5 फिट है, पता नहीं उससे ज़्यादा ही है, तो नीचे से थोड़ा ऊपर लगवा दें, पानी की वजह से वो फ्रेम ही ख़राब हो जाता। और अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है बिकॉज ये यहाँ से इतना पतला है, तो बहुत ही पतला, आधा इंच एक ऑलमोस्ट, और वो वाला इतना चौड़ा था, तो इसे बाहर को था दीवार से ना, पर ये कि मैं वीडियो के लिए उसे उतार लेती थी, इसे मेरे ख्याल से नहीं उतार सकते। तो बस अब मिलते हैं सुबह फजर में। सो आज है चांद रात और अभी बज रहे 11:30, मतलब चांद रात नहीं है, अभी तो दिन है, आज रोज़ा है 29th। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑलमोस्ट सारी सफाई कर दी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं लाजपत नगर से क्या लाई थी एंड थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग, मैं चाहती थी कि मैं उसका अलग से व्लॉग बना लूँ बट मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं सब तो नहीं दिखा रही हूँ, मेरे क्लचेस, मेरे कपड़े और बाकी सारी ज्वेलरी रख दी है मैंने, तो बाहर रखी थी सैंडल्स और एक ज्वेलरी बाहर रखी थी, ज्वेलरी बॉक्स, तो मैं वो दिखा देती हूँ। जामा मस्जिद से जहाँ से मैं अपने सारे सेट लेती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत प्यारा है। अभी मेरी शक्ल ऐसे बीमार जैसी हो रही है बट इस तरीके से ये है। और सो मैं साइड में वीडियो लगा ही देती हूँ कि मैंने जब ये पहना था तो ये इस तरीके से दिख रहा था, ये अंगूठी ले गई थी, ये भी एडीज है की अंगूठी है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली, तो ये और ये इयर रिंग्स है, बाकी जो ज्वेलरी है मैंने बोला मैंने रख दी है। और लोग मैंने पीछे से बैकग्राउंड में ही साफ किया अपना। नेक्स्ट इज दिस, काफ़ी प्यारी सी ये, क्योंकि आज मेरा जो सूट है अलविदा जुमे का उसका दुपट्टा मल्टी कलर का है, तो मुझे ये अच्छी लग रही थी इसलिए मैं ये ले आई। मेरे बैंगल्स ईद के सूट के, मैं वही वही दिखा रही हूँ जो कल पहनूंगी, कांच की चूड़ियाँ वेलवेट वाली और ये स्टोन वाली। सो ये पूरा सेट मुझे पड़ा 400 का और मैंने 350 दिए थे, इस तरीके से बहुत खूबसूरत, क्योंकि दुपट्टा ऐसा है, सूट मेरा वाइट है, वो कल देखने को मिल जाएगा आपको। जामा मस्जिद से मतलब दरियागंज गए थे तो हम गए थे अयाज परफ्यूम, वो आपने देख लिया, तो मैं वो वहाँ से लेके के आई थी, वो दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स, और इसमें ये है हमारा इत्र, इसकी फ्रेगनेंस का नाम नहीं पता मुझे, मैंने लिया था ये, दिस इज बखूर, तो ये इस तरीके की वुडन चिप्स है। और ये हम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है इसका बर्नर, तो ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है। और भी बहुत सारे थे मतलब डायरेक्ट लगाने वाले प्लग में, तो ये स्विच वाला वायर वाला है एंड दिस फॉर 1000 रुपीज़, सिर्फ ये 1000 का है। तो एक तो है ये किल से ली थी, सो दिस इज द हील, पतला सा इसका डिज़ाइन है, वेलवेट जो भी बोलते हैं। पहले मैं एक केलफ पे लेके आई थी बट तब मैं लेके नहीं आई थी, बट अब फाइनली मैं ले आई हूँ इसको। और ये मिंत्रा से मंगाई थी क्योंकि इसमें जो आई थी वो हमने पहन ली तो वो बाहर रखी हुई, एंड ये बस 1.5 इंच हील है मैक्सिमम इसकी, ये बहुत कंफर्टेबल हील्स है। ये मेरे पास रेड बैग है तो उसके लिए हमने ही मंगाई है मैच करने के लिए। तो
तरीके की है हील है। सो दिस इज रोज गोल्ड इन कलर एंड ये 1300 रुपये की है और इसका नाम है सुल्तान। और नेक्स्ट वेजेस, ये हमारी 4 इंच की हील है और ये इसका डिज़ाइन है और ये इसका प्यारा सा कलर है और ये सॉफ्ट बहुत है तो इसलिए मैंने ये ले ली फटाफट से सेल में से। तो वो ये सब लाई थी मैं लास्ट में, जैसे कुशन कवर्स वगैरह। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, नमाज पढ़ने, तैयार होने एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सुबह से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी में काम कर करके ना स्किन की बैंड बच गई है, वैसे बहुत ड्राई हो रही है। तो मेरे पास ही मिनीसो के 3-4 मास्क रखे थे तो मैंने ये फेस मास्क लगा लिया और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा मास्क है। एंड फिर टाइम हो रहा था जोहर की नमाज का तो मैंने अपना आज अलविदा जुमे का सूट निकाला एंड वो प्रेस फ्रेस करके पहना और ये मेरे अलविदा जुमे का सूट है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इत्र अप्लाई किया नमाज पढ़ने से पहले एंड बस थोड़ा सा स्किन प्रेप की। और ये रही मैं, ये रहा मेरा पूरा सूट और इसका दुपट्टा थोड़ा कलरफुल सा है और ये मैंने देखो फ्रीज़र में रख दी थी और ये बॉटल का क्या हश्र हो गया है। बाहर जाके देखा तो खीर की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और ये मम्मी मेरे कर्टन छोटे कर रही है और ये अतूफ़ा इस बार मम्मी की हेल्प कर रही है और वो जो कर्टन छोटा किया था वो वापस लगाना था। तो मैं बस ये अपने रूम के और बाहर बाहर के थोड़े छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, उसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पहले तो मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ और अब इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो इफ्तारी बन रही है, अम्मी और तूफ़ा बना रहे, पापा कुरान पढ़ रहे थे थोड़ा सा और मुझे बनाने को दिया था इन्होंने मोहितो, क्योंकि वो सबसे अच्छा सिर्फ मैं ही बनाती हूँ अपने घर में और बहुत ईजी सी रेसिपी है इसकी जो कभी बाद में बताऊँगी। और ये थोड़ा सा दूध उबल गया है। क्या लाइए? ईदी लाई हूँ मैं, ईदी लाई हो? ये लाई थी, एक घंटे में फिर आ जाती। मैं बहुत थक गई हूँ, शक्ल दिख रही है मेरी गाइस, गाइस ईद का चांद दिख गया है, ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक, जबकि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है मुबारक, पर क्योंकि 29 का जो चांद होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक। हाँ बारीक पाकिस्तानी, ओके पाकिस्तानी क्या होता है इसमें, बारीक तो बारीक होता है, बहुत बारीक था वो ना, ऐसे बाय चांस दिख गया। मम्मी को बोल रही थी मेरे तो दूर की आंखें कमजोर है, मेरे को तो दिखेगा नहीं, पर मम्मी ने बोला तुझे तारे नहीं दिख रहे, तारे मुझे सच में नहीं दिख रहे। तो वो बादल ना, बादलों ने जैसे हमने देखा ना 2 मिनट बाद बादल ऊपर हो गए। अच्छा। बादलों ने पीछे छुपा दिया, वो बादल ऐसे बारिश वाले बिल्कुल एकदम वो नहीं होता, वो ऊपर होता है बिल्कुल ऐसे। बस थोड़ा सा थक गई हूं इसलिए मेरी आंखें हाथ देख लाल चूड़ी चूड़ी गीली हुई थी ना। और ये मैं लाइन में कर रही हूं पार्सल्स, दो पार्सल आए हैं। खैर तो जिसने जिसने मुझे ईदी देनी है मैं फ्राजी का गूगल पे या अम्मी का बता दूंगी, आप मुझे पेटीएम कर दें क्योंकि मैं पेटीएम नहीं यूज करती हूँ और मैं सबसे ईदी लूंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तो मांगने वाले हमारे घर में ही, हम जकात भी नहीं देते, खैरात भी, सदका भी नहीं देते। सो दो में से एक बॉक्स है शायऑन का, इसमें था मेकअप, तो इसमें एक लिपस्टिक है, इसकी प्यारी सी पैकेजिंग है, एक कॉम्पैक्ट है और आई शेडो पैलेट थी। दूसरे वाले में आई गेस स्किन केयर का सामान था एंड आई एम रेडी टू गो आउटसाइड मेहंदी लगवाने। तो मैं अलकनंदा आ गई थी यहाँ पे मेहंदी लगवाने क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बकराईद पर लगवाई थी, बहुत खूबसूरत, पर इस बार मेरे हाथों का सत्यानाश हो गया तो मैं अपनी मेहंदी ज़्यादा दिखाने भी नहीं वाली हूँ व्लॉग्स में। और मेरी एक पहनी हुई चूड़ी भी टूट गई सबसे पहले, इतनी प्यारी चूड़ियाँ लेके आई थी, ये देखो ये सत्यानाश हो रखा है मेरे हाथ का। और मम्मी बना रही है दही बड़े, मतलब उसका जो भी सामान है। और मैं अपने लिए कुछ चटर पटर से नीचे से लेके आई थी, मैं आराम से बैठ के वो खा रही थी। यही काम है मुझे, ज़्यादा बोलना मत तुम लोग कि मैं कुछ काम क्यों नहीं कर रही, वो मैं कर देती हूँ जो मेरे काम होते हैं। और मुझे भूख लग रही तो मैंने बाहर से फिर फ्राई और सब मंगाया था, वो भी दिखा दो। ये तो यूनिक लग रही है, अच्छी लग रही है ये सच में। हाँ देखो वीडियो में। तो जब अम्मी फारिग हो गए अपने सारे कामों से तो मैंने अम्मी के दोनों हाथों पे मेहंदी लगा दी और अदीबा के हाथ पे अतूफ़ा मेहंदी लगा रही है क्योंकि आज चांद रात है तो सिर्फ मेहंदी मेहंदी ही चलेगी सारी रात। मेरे हाथ ख़राब हो गए थे तो अतूफ़ा ने वो ठीक करे हैं। मैंने नहीं लगी पीछे वाली, तो फिर भी ठीक लग रही थी लेकिन उसे हम सेट करेंगे थोड़ी देर में, पहले मैं अपने लगा लेती हूँ इस वाले हाथ पे थोड़ी सी, फिर फ्राजी के पीछे की सेट कर दूंगी, तेज रुक जाएगी, फिर फ्राजी मेरे इस वाले। इनकी आंखें भी कुछ ख़राब सी हो रही हैं, मायूस बच्चा बेचारा, पैसे ख़राब हो गए बच्चे के। तो ब्लॉग यहीं एंड होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और चांद रात ऑलमोस्ट ईद का टाइम शुरू हो गया है, फजर स्टार्ट हो चुकी है।
और इफ्राजी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अभी हम मेहंदी वहंदी लगा के बाय कर, हमारी तो ईद नहीं हुई पर इफ्राजी अब वापस कर रही, बाय कर रही नींद के चक्कर में तो और बोल रही सॉरी, इफ्राजी बाय कर रही है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे चांद रात का व्लॉग कैसे लगा और आपकी चांद रात कैसी गई, ठीक है। शी इज सेंडिंग अ फ्लाइंग किस, लो लेकिन पंखा चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही होगी।